हम लोग आप सबके सामने जमीन पर लेते आए हैं। और ये चीज मैं यहां से क्यों बोलना चाह रही हूं, क्योंकि हम लोग उस गिनती में नहीं आना चाहते कि हाँ चुनाव हो रहे हैं सर पे, देखो ईवीएम से ये भी लोग चुनाव लड़ने लगे, ये लोग सब इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ना होता है। नहीं, हम लोगों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, हजारों के हिसाब से लोग हमसे मिलने आते हैं, हमारे दफ्तरों में आते हैं, लाइन लगती है, मैसेजेस आते हैं कि जब तक आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, जब तक आप सत्ता में नहीं जाओगे, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जितना मर्जी गला फाड़ते रहे। सो समहाउ वी रियलाइज्ड कि कौन ऐसा इंसान कन्विंसिंग, प्लस जिसका जनता पे भरोसा है, प्लस जो आपकी लड़ाई जितनी मजबूती से वकालत अंदर करते हैं कोर्ट के अंदर, उतनी ही मजबूती से जमीन पे ईमानदारी से आपके साथ खड़े होते हैं। और उससे सबसे बड़ा टाइटल जो एक दलित बहुजन समाज ने देखते हुए जो एक ऑप्रेस सेक्शन उन्हें दिया है, विच इज अम्बेडकर राइट, इन अ ट्रू सेंस द पर्सन हु इज ट्रू अम्बेडकर राइट, जो सब विचारधाराओं को समानता को मान के चलते हैं, और जिन्हें जिनका मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरा केस भी एडवोकेट महमूद प्राचा जी लड़ रहे हैं, और जो मेरा केस था और जिस स्थिति में आज मेरा केस है, तो 100% SC/ST का सक्सेसफुल रेट अगर किसी एडवोकेट का है जीतने में, जितने भी केसेस हमारे दफ्तर में है वो एडवोकेट महमूद प्राचा जी का है। और पूरे भारत के एक जाने माने एक ऐसी शख्सियत, ऐसे वकील जो किसी से डरते नहीं है, कैसे लीडर की फॉर्म में वो उभर रहे हैं एक ओप्रेस सेक्शन के लिए, खासकर पुलिस से कैसे सामना करना है, ऐसे नहीं कि गुंडागर्दी करके, पुलिस को कानून कैसे समझाना है, पुलिस को ये परिभाषा कैसे बतानी कि तुम जनता के सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट, सर्वेंट माने नौकर। व्हेन यू रियलाइज दिस कि जो तुम्हारी वर्दी है, और इस देश का कानून सुधारात्मक है, दंडात्मक नहीं है, आपको इस देश का कानून और ये जो खाकी है आपको जनता को डराने के लिए नहीं, जनता के बचाव के लिए और सुधार के लिए, ये वर्दी जो है क्रिमिनल्स को डराने के लिए है। इस चीज का फर्क बताना और इस चीज में चलना, और भारतीय जनता पार्टी के सामने ईमानदारी से, मुखरता से डरना नहीं, चाहे उन्होंने ईडी की रेड जब 2018 में प्रातः सर के बीज में सॉरी ऑफिस में हुई थी, हमारे ऑफिस में दफ्तर में रेड डाली, तो क्या डर जाना चाहिए था, तो क्या उसके बाद नहीं बोलना चाहिए था, तो सामने नहीं आना चाहिए था। लेकिन उस नैरेटिव को, उस ट्रेंड को ब्रेक करते हुए मिस्टर एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने दिखाया कि इनका सामना कैसे करना है, आंखों में आंखें डाल के जुल्मी को, या जो बेईमान है या जो करप्ट है उसको करप्ट कहना है, और उनको उनकी असली पहचान दिलानी है कि देशद्रोह, देश भक्त का जो चोला पहने हैं वो असली में हर काम ऐसा कर रहे हैं जो राष्ट्र की मजबूती के खिलाफ है। तो इसलिए हम लोगों ने तमाम दलित बहुजन एक्टिविस्ट, जो ऑप्रेस सेक्शन के, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जितने भी एक्टिविस्ट, तमाम वो लीडर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हम जैसे, जो थोड़ी सी एक पहचान रखते हैं जनता जनता के बीच में और अपने लोगों के बीच में, हम लोगों ने एक ऐसी सीट डिसाइड करी। हम लोगों ने प्राचा साहब को कहा कि रामपुर इज द सीट इन यूपी की जहां से बीजेपी जीती हुई है, उस सीट को पकड़कर उस सीट में ही अगर चुनाव ईवीएम से होते हैं। देखिए हम लोगों का कहना बहुत आसान है कि ईवीएम तो आ गई, ईवीएम कैसे हटेगी, बट हम लोग एक रोल मॉडल दे सकते हैं। हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि हम मुकर जाए अपनी बात को कहते कि नहीं हमने तो कहा ही नहीं हम लोग ईवीएम नहीं तोड़ेंगे, हमने कहा है ईवीएम तोड़ेंगे, हमने कहा है हम दंगे की चोट पे, मतलब जिन मैं कुछ लीडर्स की ऐसी बात कर रही हूं जिन्होंने कहा था हम तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम अपनी बात पे अभी भी कायम है कि अगर हमारे चुनाव ईवीएम से होते तो उस मॉडल को किस तरीके से ब्रेक करना है, उस जगह पे चुनाव करवा के उस जगह पे बीजेपी को किस तरीके से एक नया नैरेटिव क्रिएट करके ये दिखाना है कि हम कैसे बीजेपी को हरा सकते हैं। हम इस मुहिम को लेकर जाना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट सीट जहां पे हमारे समाज के लोगों का हमें पूरा समर्थन मिला है कि आप आए, और वहां पे मुस्लिम समाज का भी पूरा समर्थन मिला और वो हमें बुला रहे हैं कि आप आए और यहां से चुनाव लड़े। और मैं जितने भी विपक्षी दल है, मैं आज ट्रू सेंस में आपको कहना चाहती हूँ कि एक बहुजन समाज की बच्ची आप सबसे रिक्वेस्ट करती है कि इस सीट को एनडीए को छोड़ के, बीजेपी भाजपा को छोड़ के, बाकी जितने भी गठबंधन हुए हैं, जितनी भी राजनीतिक दल है, जितना भी ऑपोजिशन है, इस सीट पे अपने लोगों को ना उतारे, अपने कैंडिडेट्स को ना उतारे, और इस सीट को एक ऐसा रोल मॉडल, एक ऐसा मतलब मॉडल पेश करें बीजेपी के सामने और उन्हें दिखाएं, ताकि जब फर्स्ट फेज के चुनाव हो जाए तो हम इतने मजबूती से जब इस सीट को चुनाव हो तो जाके जो सेकंड और थर्ड सीट, फोर्थ सीट के चुनाव हो उसमें हम ईवीएम से चुनाव करवाने की पॉसिबिलिटी रख सकें। तो मेरा यही कहना है, क्योंकि मेरे साथ साथी आशुतोष भी बैठे हैं, अभी तक 229 दिन हो गए
मेरे आंदोलन को दिल्ली विश्वविद्यालय में चलते हुए, और जिस तरीके को पुलिस को बैकफुट पे हमने रखा, और पुलिस जो झूठे केसेस हम पे लगा के रखती है, खासकर जब आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हो तो आपके ऊपर पानी बहुत जल्दी झुकाव में हो तो गिर जाता है, तो उसको आज सामना कैसे करना है, लड़ाई को ईमानदारी से मजबूती से कैसे लड़ना है और पीछे नहीं हटना, और इस ताकत से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं तमाम अटैक होने के बावजूद, मुझे लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट वे कि अगर ऐसी शख्सियत हमारे सामने जाती है तो वो ईमानदारी से अंदर भी हमारी बात रखेगी, जब संसद में जीत के पहुंचेगी और जमीन पे भी उतनी ही मजबूती से हमारे साथ रहेगी। शुक्रिया। अगर मुझे कुछ और चीज बाद में याद आती है तो आई शेयर।